कभी आप हिंदू समाज पर संकट की बात करें तो ऐसे ढेरों हिंदू बहस करने आ जाएंगे कि कोई संकट नहीं है, माहौल खराब मत करो। हमेशा हिंदू ही मिलेंगे जो आपकी बात दबाने का प्रयास करेंगे। वो आपको बताएंगे कि सब ठीक चल रहा है, हिंदू धर्म हजारों वर्ष में नष्ट नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ऐसी बातें समझाने वाला कोई मजहबी व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या चल रहा है और आगे क्या क्या करना है। वो आपसे बहस करने में टाइम खराब नहीं करता। हिंदुओं को खत्म करना उनके मजहबी कर्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न उठता है कि हिंदुओं के मन में ये कैसी बात बैठी हुई है, माहौल खराब होने का ये भय आखिर क्या है, ये कहां से आया है, हिंदुओं को क्यों लगता है कि माहौल खराब नहीं होना चाहिए। वास्तव में इस डर की जड़ इतिहास में छिपी हुई है। इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है उमर का सुलहनामा। इसे अंग्रेजी में पैक्ट ऑफ उमर कहते हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय में सीरिया के ईसाइयों और खलीफा के बीच ये सुलहनामा हुआ था। ये समझौता सीरिया के ईसाइयों ने लिखा और उन्होंने स्वयं को इस्लाम से सुरक्षा मांगते हुए कुछ शर्तें स्वीकार की। ये शर्तें ये थी, हम अपने नए पूजा स्थल नहीं बनाएंगे और पुराने टूटे पूजा स्थलों की मरम्मत नहीं करेंगे, अपने पूजा स्थलों में ऊंची आवाज में प्रार्थना नहीं करेंगे और मुस्लिमों के क्षेत्र से गुजरते हुए संगीत नहीं बजाएंगे, कभी किसी काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट होने से नहीं रोकेंगे और किसी भी मुस्लिम को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारे पूजा स्थल हमेशा मुस्लिम पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। हम उन्हें ठहरने पर 3 दिन तक खाना पानी और रहने का स्थान देंगे। हम घोड़े पर जीन कसकर नहीं बैठेंगे और हथियार लेकर नहीं चलेंगे। कोई भी काफिर किसी मुस्लिम के घर के बगल में उससे ऊंचा मकान नहीं बनाएगा। हर काफिर हर मुस्लिम को पूरी इज्जत देगा और उसके लिए बैठने की जगह छोड़ देगा। सीरिया के मूल निवासियों ने ये सारे लिखित वचन खलीफा उमर के आगे प्रस्तुत किए। बेहद रहमदिल खलीफा उमर ने इन सभी को स्वीकार कर लिया, अपनी तरफ से केवल एक शर्त जोड़ी कि कोई काफिर कभी किसी मुस्लिम पर हाथ नहीं उठाएगा, बचाव में भी नहीं, जवाब में भी नहीं। ऐसा करना अपराध माना जाएगा। सुलहनामा पेश करने वाले लोगों ने कहा कि वो ये सुलहनामा अपने और अपनी कौम की सुरक्षा के लिए स्वीकार करते हैं, बदले में उन्हें जीने का अधिकार दिया जाए। यदि किसी ने भी इन शर्तों में से कोई भी तोड़ी तो उसे दिया गया सुरक्षा का वचन हटा लिया जाएगा, यानी वो मार दिया जाएगा, उसके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं होगी। ध्यान दें, ये शर्तें खलीफा उमर ने नहीं लिखी थी, ये खुद काफिरों ने अपने हाथ से लिखी थी। किस भय में लिखी थी ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। और काफिरों ने सिर्फ अपनी नहीं सबकी गारंटी ली थी कि वो सभी इन शर्तों को मानेंगे। उन्होंने सबका जिम्मा लिया, इसलिए ये शर्तें जिम्मा की शर्तें कहलाई। जिम्मेदारी शब्द का जन्म यहीं से हुआ था। जिम्मा की शर्तों पर जीने वालों को जिम्मी कहा गया। अरबी शब्द जिम्मा जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो इसकी स्पेलिंग DHIMMA होती है, यानी धिम्मा होती है, और उन शर्तों को मानने वाले धिम्मी कहलाते हैं। उमर का ये सुलहनामा वास्तव में एक टेम्पलेट है। मजहबी समुदाय हर समय इसी के आधार पर काम करता है। इतिहास पर ध्यान दे तो समझ में आएगा कि भारत में भी उमर के सुलहनामे पर लगातार अमल जारी है। हर बार कोई धिम्मी आगे बढ़कर सुलहनामा प्रस्तुत करता रहा है, मुगलों के अत्याचारों से लेकर मोपला नरसंहार और उसके बाद देश के बंटवारे तक। ये क्रम आज भी जारी है। जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं पर कोई संकट नहीं, चुप रहो, कुछ बोलो मत, माहौल खराब हो जाएगा, ये वही धिम्मी हैं जिनके अवचेतन मस्तिष्क में आज भी डर बैठा हुआ है। इस डर के लिए वो हर कीमत चुकाने, हर समझौता करने को तैयार हैं।